18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक कई महान वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हुए हैं जिनके रिसर्च से विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की। उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वो चाहे मृत शरीर को जीवित करने की बात हो या फिर लोगों को महीनों तक भूखा रखने की। उस समय एनेस्थीसिया भी नहीं होता था और डॉक्टर्स बिना बेहोश किए ही मरीजों का ऑपरेशन किया करते थे। कई प्रकार की दवाइयाँ लोगों पर टेस्ट की जाती थी। कुछ प्रयोग तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे। एक से तो एक शख्स के नीचे की ठुड्डी ही टूट गई थी। महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आए। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आज के समय में आपको वाहियात और अजीब लग सकती है, लेकिन बीती सदियों में वो नॉर्मल हुआ करती थी। साल 1944 में मार्शल सटॉन ने दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखा था। उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। मार्शल ने एक ब्रोशर छपवाया और शहर में बांट दिया जिस पर कुछ भूखे बच्चों की तस्वीर बनी हुई थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और उनके पास खाली प्लेट्स थीं। ब्रोशर पर लिखा था, इन लोगों को भोजन मिल सके, क्या इसके लिए आप भूखे रहेंगे? ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट का एक इनविटेशन था। उस समय यूरोप और सोवियत यूनियन में बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मार्शल को कुछ स्वस्थ लोगों की ज़रूरत थी। करीब 200 वॉलंटियर्स में से 36 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 3 महीने तक मार्शल ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता था जिसमें गोभी, शलगम और आधा गिलास दूध होता था। अगले दिन केवल ब्रेड और बीन्स लोगों को खाने में दिए जाते थे। मार्शल का कहना था कि जो लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं उन्हें मीट नसीब नहीं होता होगा। 1800 से भी कम कैलोरीज इन लोगों को दी जाती थी और इसके बाद हर हफ्ते 22 मील उन्हें दौड़ने के लिए कहा जाता था जिससे कैलोरीज बर्न हो सके। कई पार्टिसिपेंट्स ने बीच में ही इस एक्सपेरिमेंट से अपने पैर वापस खींच लिए। कुछ समय बाद लोगों की बॉडी वेट में 25% तक की कमी देखी गई। कुछ लोगों को एनीमिया हो गया तो कुछ और समस्याएं भी लोगों को हुई। लोगों के पैर कांटे की तरह सूखने लगे थे। रिसर्च में पाया गया कि लोगों को दोबारा स्वस्थ होने में कई महीनों और यहाँ तक कि सालों का वक्त लग सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैन एंड हंगर अ बुक में लिखा गया है कि कैसे भुखमरी से तड़प रहे लोगों की मदद की जा सकती है। उन लोगों को शोर से दूर रहना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है। 1840 के दशक के आसपास डॉक्टर्स को सर्जरी के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, लेकिन एनेस्थीसिया न होने के कारण लोगों को बेहोश नहीं किया जाता था। ऑपरेशन के दौरान मरीज दर्द से कराह रहे होते थे। डॉक्टर्स को जल्द से जल्द ऑपरेशन ख़त्म करना होता था क्योंकि दर्द से मरीज की हार्ट बीट रोकने का खतरा भी बना रहता था, इसलिए कुछ मिनट्स में ही सर्जरी को पूरी कर ली जाती थी। ब्रिटेन में रॉबर्ट लिस्टर नाम एक सर्जन हुए जो काफी प्रसिद्ध थे। कुछ ही मिनट्स में वो किसी के भी पैर का पूरा ऑपरेशन कर दिया करते थे। उनके 10 ऑपरेशंस में से औसतन केवल 1 शख्स की मौत होती थी। ये आंकड़ा आज के समय के हिसाब से आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उस समय ऑपरेशन के समय 4 में से 1 शख्स की मौत हो जाती थी। रॉबर्ट लिस्टन एक बार एक पेशेंट की पैर की सर्जरी कर रहे थे। पैर को काटते समय उनसे एक सहायक की उंगली कट गई, लेकिन रॉबर्ट को ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म करना था और उन्होंने सर्जरी जारी रखी। इसी बीच एक सीनियर सर्जन के हाथ पर भी एक ब्लेड लग गया। करीब 2 दिनों के बाद मरीज और उंगली कटने वाले सहायक की मौत हो जाती है और बाद में सीनियर सर्जन भी मर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों के शरीर में एक ही इन्फेक्शन फैल जाता है। ये इतिहास के उन चुनिंदा केसेस में से एक है जहां पर एक सर्जरी में डेथ रेट 300% रहा है। मृत लोगों को दोबारा जिंदा करने को लेकर भी इतिहास में कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। साल 1818 में एंड्रयू यूरी ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। मेडिकल फील्ड में योगदान के लिए यूरी को आज भी याद किया जाता है। साल 1751 में स्कॉटलैंड ने एक रूल पास किया था कि मौत की सजा पाने वाले लोगों की डेड बॉडी को मेडिकल पर्पस और एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरी ने 14 नवंबर 1818 को एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका दावा था कि वो एक मरे हुए शख्स को इलेक्ट्रिक करंट से जिंदा कर देंगे। असल में एक मेंढक के मृत शरीर में यदि करंट डाल दिया जाए तो उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होती है। यूरी ने कहा कि इंसानों में भी ये संभव है। एक्सपेरिमेंट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यूरी ने डेड बॉडी के गर्दन के पीछे कट लगाया और
और बिजली के तारों को रीढ़ की हड्डी से जोड़ दिया। उन्होंने बॉडी में करंट छोड़ा और उसमें थोड़ी हलचल होने लगी। ये नज़ारा देख वहाँ मौजूद कई लोग बेहोश हो गए। पहली बार किसी लाश को अपने आप उन्होंने हिलते हुए देखा था। इसके बाद यूरी ने उनके लंग्स को करंट दिया जिससे वो सांस ले सके। इस प्रयोग में भी वो सफल होते नजर आए और उनके फेफड़ों ने इनहेल और एक्सहेल करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि बॉडी में खून की कमी के कारण वो लाश जिंदा नहीं हो पाई। आज भी हार्ट अटैक के दौरान या दिल की धड़कन रुक जाने पर डॉक्टर्स शॉक थेरेपी का यूज करते हैं। 20वीं सदी में डॉक्टर्स दवाइयों को लेकर कई प्रयोग करते थे। बेली कोई प्रोफेशनल नहीं थे क्योंकि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उनकी दवाई काफ़ी असरदार है। तेज़ दर्द हो, सेक्सुअल पावर बढ़ानी हो या कोई अन्य शारीरिक समस्या, उनकी दवाई कई चीज़ों में असरदार बताई गई है। लोगों ने रेडिथोर का प्रयोग करना शुरू किया और उसके पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए। बेली की टीम का कहना था कि बहुत कम मात्रा में ये दवाई लेने से फ़ायदा होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया। एक शख्स ट्रेन में सफ़र करते समय अपनी सीट से नीचे गिर जाता है और उसकी बाहों में चोट आ जाती है। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स उसे एक चम्मच रेडिथोर लेने का सुझाव देते हैं, लेकिन उस शख्स को रेडिथोर इतनी पसंद आती है कि वो रोज़ाना एक बोतल रेडिथोर का सेवन करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो अपनी खुराक 2 बोतल रोज़ाना कर देता है और 1 साल के बाद वो 3 बोतल रेडिथोर का सेवन करने लग जाता है। एक दिन अचानक उसके नीचे का जबड़ा यानी कि ठुड्डी नीचे गिर जाती है। यह कोई मजाक नहीं था बल्कि सच में उसका नीचे का जबड़ा अलग हो जाता है। शख्स को दर्द भी नहीं होता क्योंकि उसकी नसों ने भी रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स उसे एक नया जबड़ा लगाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। साल 1965 में उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि मौत के 33 सालों के बाद भी उसकी बॉडी में रेडियम के ट्रेसेस मौजूद थे। बेली की दवाई रेडिथोर पर सरकार ने बैन लगा दिया था। दोस्तों, रेडियम का इस्तेमाल महिलाओं की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया गया। 1930 में एलेक्सिस मॉसली ने स्किन टोन इम्प्रूव करने के लिए थोर रेडियम नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें रेडियम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि शहरों में रहने वाले लोगों को धूप नहीं मिल पा रही है जिस वजह से उनके स्किन का टोन खराब होता जा रहा है। ऐसे में वो लिक्विड सनशाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लिक्विड सनशाइन के तौर पर बेचना शुरू किया। लिपस्टिक और कई क्रीम्स भी इस कंपनी ने बनाई जिन्हें महिलाओं ने पसंद किया। हालांकि इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में उस समय महिलाओं को मालूम नहीं था। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में रेडियम का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें जानकर आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स उस समय भी आयोजित किए जाते थे, लेकिन उस समय की प्रतियोगिताएं आज से काफ़ी अलग हुआ करती थीं। महिलाओं को अपने शरीर को पूरा ढकना होता था और केवल उनकी आंखें खुली रहती थीं। उनकी आंखों की सुंदरता के आधार पर विजेता का चयन होता था। कुछ प्रतियोगिताओं में महिलाओं की टांगों पर कोई कपड़ा नहीं होता था और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता था। जज सभी महिलाओं की टांगों का निरीक्षण करते और उसके बाद अपना फैसला सुनाते। सुंदरता और अच्छा दिखना जितना आज जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी पहले हुआ करता था। सन 1867 से लेकर 1974 तक अमेरिका के कई हिस्सों में ये कानून बना दिया गया कि बीमार लोग या फिर हैंडीकैप्ड लोग सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आ सकते थे, यानी कि अगर कोई विकलांग है तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और यदि वो किसी को नज़र आ गए तो उनके ऊपर $1 का फाइन लगा दिया जाता था, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। पब्लिक प्लेस पर नज़र आने पर उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था, मानो बीमार होना या विकलांग होना कोई बहुत बड़ा दोष हो। सबसे अधिक गोल्डफिश खाने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था। पोस्टमार्टम फोटोग्राफी और डेड बॉडी का फोटोशूट भी लोग कराया करते थे और मृत शख्स की फ़ोटो परिवार के लोग घर में लगाते या लॉकेट में रख लिया करते थे। गार्डन सजाने के लिए अमीर लोग हर्मिट्स का इस्तेमाल किया करते थे। हर्मिट्स जीवित लोग होते थे जो एक स्पेशल कॉस्ट्यूम या वेशभूषा पहनकर पूरे दिन गार्डन में खड़े रहते या बैठे रहते थे। उन्हें एक पुतला बनकर रहना होता था और अमीर लोग केवल गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए हर्मिट्स का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, जो लोग जीवन में
शांति और सुकून की जिंदगी जीना चाहते थे वो लोग ऐसी जॉब में दिलचस्पी दिखाया करते थे। क्या आप इस तरह की नौकरी करना पसंद करेंगे जहां आपको पूरे दिन बस एक पुतला बनकर ही रहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।